सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। भाई की कलाई पर सजेंगी गाय के गोबर से बनी राखी, अंकित शुक्ला। रक्षाबंधन पर्व पर तरह तरह की राखियों की बिक्री बाजार में शुरू हो गई है। ऐसे में गो संरक्षण कार्य से जुड़े राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने गाय के गोबर कई अन्य आयुर्वेदिक बूटियों के मिश्रण से आकर्षक राखियां तैयार की हैं। इनका दावा है कि इन राखियों के प्रयोग से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही हानिकारक तत्वों का प्रभाव भी कम होता है। 30 व 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। इस दिन बहनें भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। ऐसे में बाजारों में तरह तरह की राखियां बिक्री के लिए सज गई हैं। चाइनीज राखियां भी बाजार में बिक रही हैं। ऐसे में गो संरक्षण कार्य से जुड़े अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने राखियों को लेकर एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने गाय के दूध व गोबर से बनी विभिन्न तरह की करीब 11,000 राखियों का निर्माण कराया है। इनकी बिक्री की कीमत 5 से 10 रुपए रखी गई है। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के अध्यक्ष अंकित शुक्ला स्वयं घर घर जाकर इन राखियों की बिक्री कर रहे हैं। गाय संरक्षण के नाम पर लोग भी इनकी खरीदारी को लेकर उत्साहित हैं। इन राखियों को कुछ दुकानों पर बिक्री के लिए रखा गया है। संगठन का दावा है कि रक्षाबंधन पर इन राखियों को बांधने से सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में संचार होता है, जिसकी वजह से इनको तैयार करने में राल कपूर कचरी, गूगल लाल व सफेद चंदन, गाय का घी, नारियल तेल, ग्वार गम, मेंदा लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। स्वदेशी बाजार को भी बढ़ावा मिलता है। संस्था अंकित शुक्ला ने बताया कि रक्षाबंधन पर गाय के गोबर से बनी इन राखियों की बिक्री कर गौ संरक्षण को बढ़ावा देना है। राखियों की बिक्री से एकत्र होने वाली राशि को गौ संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। संस्था ने इन राखियों को बिहार, उन्नाव, अन्य स्थानों पर भी बिक्री के लिए भेजा है। इनकी बिक्री से एकत्रित होने वाली धनराशि को गायों के रखरखाव, चारे आदि पर खर्च किया जाएगा। मणिकापुर में तैयार हो रही राखियां बनाने में देशी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। संगठन से जुड़े लोग विभिन्न स्थानीय गौशालाओं में घूमकर देसी गाय का गोबर एकत्र कर रहे हैं, जिसके बाद गोबर को उन्नाव के मणिकापुर कस्बे में भेजा जा रहा है। यहां इन राखियों का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य में 10 से 15 लोग लगाए गए हैं। इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।